हाँ डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीवी टीचिंग पोर्टल। योर वेलकम। यहाँ पर न्यू है, यहाँ पर डाउट क्लियर जो सेशन है, इसमें जो डाउट है वो क्लियर करे जाएंगे। तो जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जिसके डाउट तो रहते हैं कि मतलब इसमें क्या होगा, क्या सही होगा, क्या मतलब कितने सेल होगी, क्या नहीं होगा, तो जो डाउट है उनको क्लियर करने के लिए यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन दिए हैं। तो अनवर्टिब्रेटेड जो एम्ब्रियो शेक होता है वो होता है मदर सेल, और मदर मैगा स्पोरोफिल डेवलप होता है उसमें वगैरह, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है एम्ब्रियो शेक, और एंडोस्पर्म जो है वो भी यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। एंजियोस्पर्म में फीमेल सेक्स ऑर्गन एम्ब्रियो शेक होता है, मेल और माइक्रोस्पोर होता है। तो इसमें जो है जो एंडोस्पर्म होता है एंजियोस्पर्म का, वो सेवन सेलेट होता है, सेवन सेल एट न्यूक्लिएट होता है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि एंडोस्पर्म और एंजियोस्पर्म डिप्लॉयड होता है। इसमें यहाँ पर सेवन सेलेट में तीन एंटीपोडल सेल होती हैं और टू सिनर्जी सेल होती हैं, और बाकी एक एक सेल होती है। यहाँ पर एंटीपोडल सेल और सिनर्जी सेल हैप्लॉयड होती हैं, जबकि एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होता है, यानी थ्री एन। हैप्लॉयड एंडोस्पर्म फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म पोलिनेशन अकर थ्रू द एजेंसी ऑफ वाइंड, यानी एनिमोफिली। हैप्लॉयड पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, जबकि एंजियोस्पर्म में डिप्लॉयड पाया जाता है। पेरिस्पर्म इज रेमिनेट ऑफ द न्यूसिलस, न्यूसिलस इज विच पार्ट डिप्लॉयड बट डिप्लॉयड इन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होता है, पेरिस्पर्म पाया जाता है एंजियोस्पर्म के, एंडोस्पर्म जो कि डिप्लॉयड होता है, यानी पेरिस्पर्म जो एंडोस्पर्म पाता है जिम्नोस्पर्म के वो डिप्लॉयड होता है, जबकि एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होता है। पेरिस्पर्म अकर इन द सीड ऑफ द ब्लैक पेपर, काफ़ी, कैस्टर, कार्डमम, निम्फीसिविया, इसमें सभी पाया जाता है पेरिस्पर्म। निम्फिया में पाया जाता है कैस्टर, कॉफ़ी, ब्लैक पेपर, कार्डमम, इन सभी में पाया जाता है पेरिस्पर्म, जो कि डिप्लॉयड करेक्टर होता है। एंडोस्पर्म द फूड लेडिंग टिश्यू विच इज मीट फॉर द नोरिज द एम्ब्रियो शेप। एंडोस्पर्म यहाँ पर फूड स्टोरेज में एक यहाँ पर डिवाइस होता है जो कि एम्ब्रियो को भोजन देता है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड इन प्रोफाइट, तो बता रहा है क्या स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है प्रोफाइट में, तो स्पोरोफाइट अप्लाइड और डिप्लॉयड होता है प्रोफाइट में और मल्टी सेलर होता है। स्पोरोफाइट और कॉलुमेला एनुलस, स्पोरोफाइट कॉलुमेला एनुलस, स्पोरोफाइट कॉलुमेला एनुलस, और यहाँ पर एनुलस, तो यहाँ पर एनुलस और अपर कुलम, ये तीनों यहाँ पर डिप्लॉयड होते हैं, तीनों यहाँ पर ये डिप्लॉयड होते हैं, जबकि कलिप्ट्रा है जो वो कलिप्ट्रा जो है वो होता है अप्लाइड, कलिप्ट्रा अप्लाइड होता है, जबकि एनुलस, एनुलस और अपर कुलम ये सारे जो हैं अप्लाइड होते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं। कलिप्ट्रा, अपर कुलम, यहाँ पर कलिप्ट्रा अप्लाइड होता है, यहाँ पर अपर कुलम और कॉलुमेला एनुलस, ये तीनों डिप्लॉयड होते हैं। लाइक द कलिप्ट्रा अपर कुलम एंड उतारा है लाइक कलिप्ट्रा, कलिप्ट्रा की तरह, तो अपर कुलम जो है और एनुलस ये तीनों जो हैं डिप्लॉयड होते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन था कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हैप्लॉयड स्ट्रक्चर, टीजीटी 2021 में क्वेश्चन यहाँ पर टीजीटी 2010 में बना था, जिसमें हैप्लॉयड और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर पूछे थे फिनेरिया से। कैप्सूल ऑफ वन नॉन ऑफ देम द हैप्लॉयड कलिप्ट्रा हैप्लॉयड होता है, यहाँ पर अपर कुलम एनुलस एंड कॉलुमेला आर द डेरिवेट फ्रॉम द स्पोरोफाइट जनरेशन आर द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। स्पोरोफाइट एक यहाँ पर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, जो कि एनुलस कार्पुला कर, यहाँ पर ये एनुलस और यहाँ पर कॉलुमेला ये यहाँ पर डिप्लॉयड होते हैं, जबकि ये हैप्लॉयड होता है, और ये डेवलप होते हैं तीनों, तीनों डेवलप होते हैं स्पोरोफाइट से, और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। द एंडोस्पर्म ऑफ द जिम्नोस्पर्म हैप्लॉयड इन फ्री फर्टिलाइजेशन बिफोर प्री फर्टिलाइजेशन के कारण, यहाँ पर एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म हैप्लॉयड इट इज द प्री फर्टिलाइजेशन टिशू, प्री फर्टिलाइजेशन टिशू यानी फर्टिलाइजेशन से पहले वाला जो टिशू होता है एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो प्री फर्टिलाइजेशन टिशू होता है, जिसलिए हैप्लॉयड होता है वो, और डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है, इसलिए वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जो
एंडोस्पर्म इक्विवेलेंट फीमेल गैमेटोफाइट, एंडोस्पर्म जो है फेरी यानी फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर के समान होता है, हैप्लॉइड इन नेचर, बट एंजियोस्पर्म इज मोस्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन टिश्यू एंड जनरली ट्रिप्लॉइड। एंजियोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म है वो पोस्ट यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद वाला स्ट्रक्चर है, इसलिए वो ट्रिप्लॉइड होता है यहाँ पर, क्योंकि डबल न्यूक्लियस में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, नवाज चिन्ह एक हो जाता है नवाज चिन्ह, इसलिए वो ट्रिप्लॉइड होता है। और यहाँ पर फिनेरिया जो है इसमें बताया था, फिनेरिया मार्स कैप्सूल स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बता रहा कौन सा है, कलेप्टरा स्पोर, कलेप्टरा स्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जबकि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फिनेरिया में क्या क्या है, अपरकुलम, कालूमेला, एनुलस, पेरिटोमियल टीथ, स्पोरोफाइट जिसको कैप्सूल या फिर स्पोरोगोनियम कहते हैं। तो बस यहाँ पर इतना ही था जो कि डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर ये दिया गया था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नया हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, राधे राधे, डोंट वरी बी हैप्पी।